इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र की गरमाई सियासत, एमएलएफ चीफ राज ठाकरे के घर मिलने पहुंचे महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का ऐलान, ओबीसी आरक्षण पर फैसला होने तक महाराष्ट्र में नहीं होने देंगे स्थानीय निकाय चुनाव। मुंबई में बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन, वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को लोकल में यात्रा की इजाजत देने की मांग। बीजेपी नेताओं ने मुंबई में चर्च गेट स्टेशन के अंदर जाने की कोशिश की, पुलिस ने गेट किया बंद, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। मुंबई के कांदिवली रेलवे स्टेशन के बाहर विधायक अतुल भातखलकर के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट, दोनों डोज ले चुके लोगों को लोकल ट्रेन में सफर की इजाजत देने की मांग। जंतर मंतर पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारी किसानों से मिलेंगे विपक्षी सांसद, दोपहर 1 बजे करेंगे मुलाकात। संसद भवन में विपक्ष के नेताओं की बैठक में जंतर मंतर पर आने का हुआ फैसला, राहुल गांधी भी जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी किसानों से मिलेंगे। विपक्षी नेताओं से पहले जंतर मंतर पहुंचेंगे कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला, व्यवस्थाओं का लिया जायजा, कहा सरकार का अहंकार तोड़ने की जरूरत। संसद में हंगामा जारी, विपक्षी सांसद फिर वेल में पहुंचे, पिगसस मुद्दे की जांच को लेकर नारेबाजी, कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित। ओबीसी जनगणना को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र को दिया समर्थन का भरोसा, कहा इस मामले में संसद के अंदर और बाहर पूरा समर्थन देगी बीएसपी। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में ड्रोन से गिराए गए हथियार, गन्स, मैगजीन और कारतूस किए गए बरामद, जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी जानकारी। सांबा के राजपुर सेक्टर में ड्रोन से हथियार गिराने का मामला सामने आया, पुलिस और सेना ने नाले से बरामद किए हथियार, जम्मू कश्मीर पुलिस ने दी जानकारी। टोक्यो ओलंपिक में स्टार रेसलर बजरंग पूनिया का शानदार आगाज, ईरान के पहलवान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश। बजरंग पूनिया के मैच से पहले माता पिता ने की पूजा अर्चना, बेटे की जीत के लिए भगवान से की प्रार्थना। फ्री स्टाइल कुश्ती में भारत की पहलवान सीमा बिस्ला का टूटा सपना, ट्यूनिशियाई की खिलाड़ी से पहले राउंड में 1-3 से हारी। महिला ओलंपिक हॉकी में पहला पदक जीतने का भारत का सपना टूटा, महिला हॉकी टीम ब्रिटेन के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल मैच 4-3 से हारी। भारत की महिला टीम ने 2-2 से पिछड़ने के बाद की वापसी, 2016 ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट ब्रिटेन ने आखिरी सुबह में जोर लगाकर मैच का रुख पलटा। भारत की महिला टीम की तरफ से गुरजीत कौर ने किए 2 गोल, वंदना कटारिया ने तीसरे गोल पर लगाया निशाना। हरियाणा के सीएम खट्टर ने महिला हॉकी टीम में शामिल हरियाणा के 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया, कहा चौथा स्थान कांस्य पदक से कम नहीं। महिला हॉकी प्लेयर्स के ब्रॉन्ज मेडल मैच में शानदार संघर्ष पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा उनके प्रदर्शन को हमेशा याद रखेंगे, भारत को इस शानदार टीम पर गर्व। टोक्यो ओलंपिक में भारत के गुरप्रीत सिंह पूरी नहीं कर पाए 50 किलोमीटर की मेंस रेस, क्रैम्प्स की वजह से 35 किलोमीटर के बाद ही बाहर हुए। मणिपुर के सीएम एन बीरेन्द्र सिंह का खुलासा, पीएम मोदी ने ओलंपिक से पहले की मीराबाई चानू की मदद, अमेरिका में बेहतर मेडिकल ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग में की सहायता। रिजर्व बैंक ने लगातार 7वीं बार ब्याज दरों में नहीं किया बदलाव, 4% ही रहेगा रेपो रेट। आरबीआई ने 2021-22 के लिए जीडीपी का 9.5% का अनुमान रखा कायम। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कोरोना की दूसरी लहर से उबर रही अर्थव्यवस्था, वैक्सीनेशन में तेजी लाने की जरूरत। मंदिर में तोड़फोड़ और आगजनी में भारत की नाराजगी के बाद झुकी पाकिस्तान की सरकार, इमरान खान ने मंदिर के निर्माण का किया ऐलान, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। भारत ने पाकिस्तान के पंजाब में मंदिर तोड़े जाने पर नाराजगी जताई, पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को तलब किया। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने मंदिर तोड़े जाने पर जताई चिंता, आज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज भारतीय मिशन के प्रमुखों और ट्रेड कॉमर्स के दिग्गजों से बात करेंगे पीएम मोदी, वैश्विक व्यापार में भारत के निर्यात को बढ़ाना मकसद, मेक इन इंडिया और लोकल फॉर ग्लोबल पर रहेगा जोर। भारत की अध्यक्षता में आज यूएनएससी की अहम बैठक, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर होगी चर्चा। देश में कोरोना के केस में बढ़ोतरी, एक दिन में 44,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, 24 घंटे में 464 लोगों की गई जान। केरल में कोरोना के 22,040 नए केस, 24 घंटे में 117 लोगों ने तोड़ा दम। केरल में कोरोना की नई गाइडलाइन से लोगों में गुस्सा, केरल सरकार ने मार्केट जाने के लिए आरटीपीसीआर नेगेटिव सर्टिफिकेट अनिवार्य किया। कोरोना महामारी से केरल के टूरिज्म सेक्टर को हुआ भारी नुकसान, कई टूरिज्म वर्कर्स ने गंवाई नौकरियां। नोवावैक्स ने भारत सरकार से अपनी वैक्सीन के लिए मांगी मंजूरी, अमरीकी कंपनी नोवावैक्स सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बना रही है वैक्सीन। भोपाल में हुई जोरदार बारिश, मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 23 जिलों में बारिश का किया ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रयागराज में गंगा यमुना नदी उफान पर, बड़े हनुमान मंदिर में भरा पानी, हनुमान जी की मूर्ति भी पानी में डूबी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में एक गर्भवती महिला और उसके परिवार की रेस्क्यू टीम ने की मदद, बाढ़ प्रभावित इलाके से महिला और परिवार को निकाला गया। यमुना के भर जाने से बड़ी ताजमहल की खूबसूरती, मेहताब बाग से दिख रहा है शानदार नजारा,
बारिश ने नदी के किनारे को किया साफ सुथरा और हरा भरा। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बमबारी की 76वीं एनिवर्सरी पर जापान में हुई मेमोरियल सभा। 1945 में अमेरिका ने जापान पर गिराए थे बम। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने ग्रीन विलेज शहर को किया तबाह। एक अनुमान के मुताबिक आग ने लॉस एंजलिस से भी बड़े इलाके को जलाया। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर अंकित की संदिग्ध मौत मामले में जेल तिहाड़ के डीजी ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत 5 जेल स्टाफ को जेल नंबर 3 से हटाया। क्रेनब्रिज टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर बनाए 125 रन। इंग्लैंड से अभी पहली पारी में 58 रन पीछे। 17 साल बाद फुटबॉल क्लब बार्सिलोना का साथ छोड़ेंगे लियोनेल मेसी। क्लब ने नहीं बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट। बार्सिलोना ने मेसी का आभार जताया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।